उसका कैसे संरक्षण करना है, ठीक है, उस विषय के ऊपर हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, और आपस में बात करेंगे और क्यों आप लोगों के बीच में आने की हमारे को आवश्यकता होगी, ठीक है, और सरकार का क्या मोटिव जो है आपका इंधन संरक्षण के लिए, क्यों आपको हर महिला मंडल के अंदर आना पड़ रहा है, वो सारी बातें हम आप लोगों के बीच में साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पीसीआरए के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पीसीआरए क्या है? पीसीआरए हमारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार का एक संस्था है, गैर लाभकारी संगठन है, जो देश की तेल के ऊपर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण की नीतियों को प्रस्तावित करने के लिए भारत सरकार की सहायता करता है और ऊर्जा संरक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जाए उसके लिए जितने भी मीडिया के सोर्सेज है, इफेक्टिव सोर्सेज है, उनका उपयोग करता है। जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, आपने देखा होगा ना, बीच में कई बार आती है सेव ऑयल इट्स प्रेशियस, ठीक है, तेल बचाओ, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है पीसीआरए के माध्यम से की जाती है। और हमारा एक ही मोटिव है कि इस इंधन संरक्षण को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको पता है जो ईंधन के सोर्सेज होते हैं ना आपके, पेट्रोल डीजल गैस, वो कैसे सोर्सेज होते हैं, आप कहां से मिलते हैं हमारे को, ये प्राकृतिक नेचुरल, वेरी गुड, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक सोर्स होते हैं, ठीक है। मैं बिल्डिंगें बना सकता हूँ, ग्राउंड बना सकता हूँ, सड़कें बना सकता हूँ, लेकिन इन चीजों को नहीं बनाया जा सकता। ये कहां से मिलती है हमारे को? प्रकृति की देन, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की सतह में दब गए, उनके अवशेषों से ये चीजें बनाई जाती है। कई जगह हमारे को कच्चा तेल मिलता है, कई जगह कोयला मिलता है, ठीक है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, यूज करने लायक बनाया जाता है, और हमारे देश में नहीं उपलब्ध है ये, हमारे को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते, और जब इनको बाहर से इंपोर्ट करते तो बहुत सारा पैसा हमारा बाहर चला जाता है, तो इसलिए हमारी और भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने इनका संरक्षण करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे इनको यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे आपके साथ, जैसे गैस वगैरह की है, तो नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस के साथ साथ, नेचुरल गैस तो सभी के घरों में कनेक्शन है ना, ठीक है, नेचुरल गैस के साथ साथ हम पीएनजी के ऊपर भी बात करेंगे, और इस विषय को भी आपने बड़ी गंभीरता से लेना। पीएनजी, पीएनजी होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये आने वाला कंसेप्ट है आप लोगों के बीच में। उस विषय जितने भी मीडिया के सोर्सेज है, इफेक्टिव सोर्सेज है, उनका उपयोग करता है। जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, आपने देखा होगा ना, बीच में कई बार आती है सेव ऑयल इट्स प्रेशियस, ठीक है, तेल बचाओ, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है पीसीआरए के माध्यम से की जाती है। और हमारा एक ही मोटिव है कि इस इंधन संरक्षण को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको पता है जो ईंधन के सोर्सेज होते हैं ना आपके, पेट्रोल डीजल गैस, वो कैसे सोर्सेज होते हैं, आप कहां से मिलते हैं हमारे को, प्राकृतिक नेचुरल, वेरी गुड, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक सोर्स होते हैं, ठीक है। मैं बिल्डिंगें बना सकता हूँ, ग्राउंड बना सकता हूँ, सड़कें बना सकता हूँ, लेकिन इन चीजों को नहीं बनाया जा सकता। ये कहां से मिलती है हमारे को? प्रकृति की देन, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की सतह में दब गए, उनके अवशेषों से ये चीजें बनाई जाती है। कई जगह हमारे को कच्चा तेल मिलता है, कई जगह कोयला मिलता है, ठीक है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, यूज करने लायक बनाया जाता है, और हमारे देश में नहीं उपलब्ध है ये, हमारे को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते, और जब इनको बाहर से इंपोर्ट करते तो बहुत सारा पैसा हमारा बाहर चला जाता है, तो इसलिए हमारी और भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने इनका संरक्षण करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे इनको यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे आपके साथ, जैसे गैस वगैरह की है, तो नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस के साथ साथ, नेचुरल गैस तो सभी के घरों में कनेक्शन है ना, ठीक है, नेचुरल गैस के साथ साथ हम पीएनजी के ऊपर भी बात करेंगे, और इस विषय को भी आपने बड़ी गंभीरता से लेना। पीएनजी, पीएनजी होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये आने वाला कंसेप्ट है आप लोगों के बीच में। उस विषय के ऊपर भी हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीएनजी के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी हिमाचल में तो नहीं आया ये, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है। देहरादून में एक प्लांट लग गया, इसके उपकरण जितने भी आपके स्टोव बर्नर वगैरह ये सारे बनाए जा रहे हैं। तो जो पीएनजी होती है वो पाइप द्वारा जो है घरों तक पहुंचाई जाती है, इंडस्ट्रीज तक, फैक्ट्रीज तक पहुंचाई जाती है,
और ये कम से कम एलपीजी की तुलना में कम से कम 30% तक किफायती है, 30% तक सस्ती आपको पड़ेगी। तो आपने ये नहीं रखना है कि कई बार क्या होता है आप लोगों का कि हमने जो गैस है अभी ये पता नहीं अब मिलेगी मार को कैसे मिलेगी, पाइप के द्वारा कहीं लीक हो गई, कहीं कुछ हो गया, ये बिल्कुल सिक्योर है आपके पास। एक ऐसी जगह इसका सोर्स होगा, मेन स्रोत भंडारण होगा, वहां से इसको जो है घर तक पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो आपका सिलेंडर है ना, सिलेंडर में क्या होता है आपका सिलेंडर बुक करो पहले, बुक करने के बाद फिर आप वहां पे जाएंगे, फिर कोई आएगा डिलीवरी मैन आएगा, फिर वहां से लाओ, फिर रखो। सपोज करो दो तीन सिलेंडर मैंने रखे, रखने की जगह घर में नहीं, फिर कहीं लीक हो गया कहीं, और के बाद जो जल्ट आते हैं वो जल्ट आप लोगों के बीच में आते हैं, प्रयोग करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन जो जल्ट आए वो जल्ट आप लोगों को बताते हैं। 250 ग्राम आलू को अगर हमने बड़े बर्नर के ऊपर उबाला और उन्हीं 250 ग्राम को हमने छोटे उसमें भी उबाला, तो छोटे बर्नर में टाइम लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 5-6 मिनट का डिफरेंस आएगा, और जो गैस की बचत होगी वो 65% तक की बचत होती है। प्रैक्टिकल करके देखना आपने इस चीज को। हम उबलने के बाद कभी भी फ्लेम को स्लो नहीं करते, ठीक है, मध्यम नहीं करते, उसको धीमा नहीं करते हम उसको। हम क्या करते, कोई चीज उबलने लग गई जब उसने अपना मैक्सिमम टेम्परेचर ले लिया, उसके बाद तो क्या करेगा, स्टीम बनाएगा, भाप बनाएगा, पानी को सुखाएगा। आप दोनों जगह बराबर दाल डालो, बराबर पानी डालो, आप एक को उबलने के बाद सिम कर दो, एक को फुल फ्लेम पे रखो, आप देखेंगे दाल लगभग बराबर समय में पकेगी, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आएगा, लेकिन जो आपने फुल फ्लेम रखी थी वो पानी भी ज्यादा सुखाएगा, गैस भी ज्यादा खाएगा, और जो सिम कर दी आपने वो गैस भी कम खाएगा और दाल को भी अच्छे से पकाएगा, ठीक है। और मोटी दाल अगर पूरी रात भिगो के हम बनाएंगे 20-22% तक गैस बचा सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, मोटी दाल बनानी है तो अभी डिसाइड करेंगे 3:30-3 बजे की आज मोटी दाल बनाएंगे, एक दो घंटे भिगोएंगे उसको, फिर पानी ज्यादा डाल देंगे, फिर पका देंगे। अगर पूरी रात भिगो के बनाया होता तो उसमें टाइम बहुत कम लगना था, और पहले दिन प्लानिंग की होती, बढ़िया से प्लानिंग की होती, भिगो दिया होता और गैस भी बिल्कुल कम लग रही। आदत भी होती है, आप लोगों की आदत ठीक है, आपका थोड़ा सा किचन में है, लेकिन नोट करना, आपने बच्चों को नोट करना, जेंट्स को नोट करना, हम लोगों को बोलना कि चलो जी चाय बनाओ जी आप लोग या कोई चीज करो, और फिर उनकी जो है ना आदत को नोट करना भी क्या करते हैं। तो जैसे हम लोग जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे, उसके बाद बर्तन को, फिर और चीजों को दौड़ेंगे। अगर मैंने सारा सामान इकट्ठा रखा होता उसके बाद गैस ऑन की होती तो चाहे वो 20 सेकंड की गैस उसको बचा सकते थे। कई बार मैंने तिल्ली धो दी, कढ़ाई धो दी, उसके बाद उसको रख दिया गैस के ऊपर कि जब तक इसका पानी सूखेगा तब तक हम प्याज कर लेते, कोई और चीज कर लेते। अगर मैंने सूखा बर्तन ही यूज किया होता तो उस बर्तन को सुखाने के लिए जो गैस यूज की उसको बचाया जा सकता था। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं। दूसरा, मेरा कोई चीज जैसे आप सपोज करो मैंने फ्रिज में रखी है, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है बहुत ठंडा होता है, पहले ठंडे से वो नॉर्मल में आएगा, नॉर्मल से उसके बाद वो हीटअप करेगा। तो अगर मैं 10-15 मिनट पहले उसको साइड में रख लिया होता, उसके बाद गैस के ऊपर रखा होता, तो बिल्कुल ठंडे से नॉर्मल होने का जो समय उस समय की गैस को। कई खाना बनाने के बाद शाम को करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बंदी नहीं करते हैं, और कैसे एसेस करते हैं इस चीज को, जब तक स्मेल नहीं आएगी ना तब तक हम बोलते हैं कि नहीं यार बहुत बढ़िया है जी ठीक चला, जब स्मेल आएगी तब देखेंगे कि नहीं ये तो कहीं खराब हो गया जी, बर्नर देखो चेक करो, उसका रेगुलेटर चेक करो, ठीक है। तो इसलिए रेगुलेटर हमेशा आपने बंद रखना है, क्योंकि हमारा किचन जो है ना खुला एनवायरनमेंट होता है, आना जाना हमारा लगा रहता है, हमारा कोई एहसास नहीं होता उस चीज का, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और बढ़िया बॉक्स भी बनाया होता है हमने सिलेंडर को रखने के लिए, आपने देखना वो बॉक्स खोल के देखना ना, जब आप वहां जाएंगे तो हल्की हल्की गैस जरूर स्मेल आएगी वहां से, तो 0.01% ही अगर आपकी लीक हो रही तो पूरे हिंदुस्तान में कितने कनेक्शन है, करोड़ों कनेक्शन है, कितनी गैस बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो और गैस की पाइप कब चेंज की थी हम लोगों ने, कब करते हम लोग चेंज, पता ही नहीं हमारा, खराब हो रही है। खराब ही कैसे होती है, जैसे यहाँ ज्वाइंट है ना, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ क्रैक आएगा उसमें सबसे पहले, तो हम काट देंगे उसको, फिर जोड़ देंगे उसको, जब तक वो सिलेंडर लटकने वाला नहीं होगा तब तक छटते नहीं पीछे उसको, और 250-300 बचाने के चक्रों में हम 2-3 हजार की गैस बर्बाद कर दे। पाइप टाइम टू टाइम चेंज करनी है, साल में एक बार तो कम से कम आपको गैस की पाइप चेंज करनी है, ठीक है। और हम सोचते कई बार हमने क्या किया, यहाँ सिलेंडर रेगुलेटर में, यहाँ पहले गैस बंद की लेकिन रेगुलेटर से ऑन है, यहाँ के रुक गई, और जैसे ही मैंने रेगुलेटर बंद किया पाइप के अंदर आपकी गैस जमा रही, रुक क्लॉट सुना, वो नहीं बढ़ पाता।
आपने नया सिलेंडर लिया, नया बर्नर आपके पास, साफ बर्नर आपके पास है, नई पाइप आपके पास है, आपकी गैस बिल्कुल फ्लो में आएगी, नीली जो आपकी फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम, नीली लौ उसके साथ जलेगी और आपकी चाय 2 मिनट में बन गई। मैं सिलेंडर बेशक नया लाया लेकिन पाइप पुरानी होगी आपके पास, बर्नर आपके पास खराब है, चिपचिपा है, कई बार दाल गिरी, सब्जी गिरी, दूध गिरा, हमने पोछा मारा, उबाला नहीं उसको, वो खराब हो गया, वो तो गैस तो जलेगी लेकिन फ्लो में नहीं जलेगी, और वो गैस जो आपकी जो चाय आपकी 2 मिनट में बननी थी वो 2.5 या 3 मिनट में बनेगी। हमने टाइम नहीं नोट किया लेकिन वो फ्लो में नहीं आई आपके, और जाने अनजाने में हम आधा मिनट या 20 सेकंड की गैस बर्बाद कर दी। इसलिए ISI मार्क्ड आपने जो है चूल्हे भी रखने, स्टोव भी रखने, और टाइम टू टाइम उसको चेंज करना है। कई बार वो जंग लग गया कॉलिंग जैसे उसमें फिर भी चला हुआ हमारे पास, चलने देते हैं उस चीज को, उसको चेंज भी करना है। बर्नर छोटा बड़ा 2 तरह का होते हैं, कौन सा ज्यादा यूज करते हैं आप लोग? बड़े वाला करते हैं। देखो अगर कंटिन्यूसली छोटा बर्नर यूज करते हैं तो 5 से 10% तक की गैस आप अपने आप बचा सकते, अपने आप ही बचा रहे। ऐसा नहीं कि बड़ा बर्नर नहीं यूज करना है, बड़ा बर्नर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बॉटम लेवल ऑफ पैन, बर्तन की जो पैंदी है वो चौड़ी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, फ्लेम साइड से नहीं जानी चाहिए, जो फ्लेम आपकी साइड से जाती है बर्तन से